फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज मैं आप सबके लिए एक कॉस्को शॉपिंग ब्लॉग लेके आई हूँ। और ये कॉस्को रेडमंड का मैंने आप सबके साथ पहले भी एक वीडियो शेयर किया था। तो हम लोग जा रहे थे कॉस्को, लेकिन मैं आपको स्टोर के अंदर नहीं ले जाऊंगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में जा चुके हैं। ऑल्दो स्टोर के अंदर हमेशा ही कुछ नया होता है, वहाँ पे जब भी आप जाते हैं तो आपको कुछ नया ही मिलता है। और हमेशा सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं क्योंकि ये एक होलसेल टाइप का मार्केट है, तो वहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि आज जो था वो हमें ग्रॉसरी शॉपिंग जो हम मंथली करते हैं वो करने गए थे, तो इसलिए उतना मौका नहीं मिल पाया। इसलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि समर सीज़न में अलग ही माहौल रहता है यहाँ का और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं और मैं आप सबको दिखा रही हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो ये है स्नैकिंग एप्पल, वॉशिंगटन एप्पल होता है, जो कि ना मीठा होता है ना ज़्यादा खट्टा होता है, वो मतलब नॉर्मल होता है, खाने लायक होता है। और फिर पनीर है और साथ में ये है आमंड रोटी, जो कि ग्लूटेन फ्री होता है, नॉन जीएमओ होता है, डेयरी फ्री होता है और सोया फ्री होता है। ये वीगन फ्रेंडली है और ये ऐसी रोटी है जैसे कि आपको कभी रैप बनाने का मन किया तो इससे आप रैप बना सकते हैं, या फिर इससे आप टैकोस भी बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको टेक अवे की तरह कहीं ले जाना है या फिर कहीं आप घूमने जा रहे हैं, तो इससे सिंपली आप गर्म करके ले जा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हेल्दी इंग्रेडिएंट है। आमंड फ्रो टैपियोका फ्लोर है, वाटर है, सी सॉल्ट, फिर एक गम है जो कि बिल्कुल अच्छा है, एप्पल साइडर विनेगर है। जो गम जो होता है वो बस कंबाइन करने के लिए होता है, और ये गम के बारे में मैंने पढ़ा है अच्छे से, तो ये कोई हार्मफुल नहीं होता है, केमिकल नहीं है वैसा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें, जिसके कारण इसे आप हेल्दी अल्टरनेटिव ले सकते हैं जब आपको रोटी बनाने का मन ना हो तो। और ये है A2 ऑर्गेनिक होल मिल्क योगर्ट। तो ये दही और योगर्ट में क्या अंतर होता है? दही जो होता है ना वो गर्म होता है, मतलब उसका तासीर जो होता है वो जब तक वो खड़ा खड़ा रहता है तो वो गर्म होता है, और जब उसको हम लोग विस्क कर लेते हैं तो वो योगर्ट हो जाता है, यानी कि वो अब उसका तासीर जो है वो ठंडा हो चुका है। तो जिन्हें भी पेट में समस्या होती है वो लोग अगर योगर्ट खाएं या फिर दही को पूरे अच्छे से फेंट लीजिए, विस्क कर लीजिए उसे अच्छे से, तो वो दही जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है, तो आप उसे खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बिना यहाँ पे मिलने वाला एक A2 काउ मिल्क का बना हुआ मिल जाता है, तो हम लोग ये ले लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं छोटे बच्चों को भी ये सारा चीज़ बोलते हैं खाने के लिए, A2 मिल्क वाला जो गाय का होता है वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमने लिया। उसके बाद ये है ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच। तो ये ट्रिपल वॉश्ड है, यानी कि 3-4 बार धोया हुआ है, तो इसे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को आदत है कुछ भी बनाने से पहले धोने का, तो हम लोग इसे धो के ही यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक है और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, और यहाँ पे प्रोसेस भी दिया हुआ है इसे बनाना कैसे है। वैसे तो हम लोग अपना देसी तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। अब ये है ऑर्गेनिक फ्रीजी पॉप्स, यानी कि ये पॉप्सिकल टाइप का है, जो बचपन में हम लोग खाते थे ना, जो रोड पे मिलता था पॉप्सिकल टाइप का, पानी एक पॉलीथीन में, और वो बहुत तरह तरह के फ्रूट्स और कलर्स रहते, फ्रूट्स तो नहीं रहते थे वो, तो पानी, चीनी और कलर होता था। लेकिन उसी आइडिया को यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप करके एक नया तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को मार्केट किया है, जिसका डीबीज ऑर्गेनिक्स से ये लोग पॉप्सिकल बेच रहे हैं। और ये पूरा फ्रूट जूस है और फ्रूट का प्योरे है, और इन लोगों ने कुछ भी इसमें शुगर डाला नहीं है। इसका इंग्रेडिएंट हमने चेक किया तो इसका इंग्रेडिएंट 100% फ्रूट था, तो ये देख के हमें अच्छा लगा। और इससे बस आपको फ्रीज कर देना है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट देखे हमने तो हमें लगा कि इससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, तो हमने ये लिया है। अब ट्राई करके मैं आप सबके पास लेके आऊँगी इस वीडियो को कि कैसा था, इसका एक छोटा सा शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगी
ट्राई करते समय। वैसे तो इसका स्ट्रॉबेरी लेमन फ्लेवर है, मैंगो ऑरेंज फ्लेवर है और ब्लूबेरी पोमोग्रेनेट फ्लेवर है, तो ये सारा कुछ जो है और बिना चीनी का है तो अच्छा है। फिर गार्लिक लिया हमने और ये है ऑरेंज, और इस ऑरेंज का जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे देख के लगा कि अरे हमारे इंडिया में तो ये बहुत खट्टा होता है ऑरेंज, और वो भी छोटे साइज का था, तो लगा कि ये तो बहुत खट्टा होगा। लेकिन फिर जब मैंने ट्राई किया तो मैं बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो गई, क्योंकि ये मीठा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये है मशरूम, ये हमने लिया है। जनरली मैं इससे मशरूम की सब्जी बनाती हूँ या फिर कुछ भी बना सकती। और ये है डार्क चॉकलेट, एक नया चीज़ हमें मिला जिसमें कोकोनट और डार्क चॉकलेट था, और 3 ग्राम शुगर ही था इसके अंदर, मतलब पर सर्विंग पे 3 ग्राम शुगर है। तो हमने जब ट्राई किया तो ये मतलब मीठा ही नहीं था, बिल्कुल ही मीठा नहीं था, कड़वा था। तो मैं अभी आपको इससे ओपन करके भी दिखाऊंगी। ऑर्गेनिक डार्क चॉकलेट है इसके अंदर, केन शुगर है, ऑर्गेनिक लो फैट कोकोआ पाउडर है, ऑर्गेनिक कोकोआ बटर है, वेनिला एक्सट्रैक्ट है, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, फिर कोकोनट का जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो है इसके अंदर। तो मैं आपको इससे ओपन करके दिखा देती हूँ ये कैसा है अंदर से। और ट्राई किया मैंने तो मुझे काफ़ी ये ठीक ठाक लगा, एज अ टेक अवे। आप कहीं भी जा रहे हैं और आपको कुछ मन है ऐसी स्नैकिंग करने का तो ट्राई कर सकते हैं इसे, कभी 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 खाने में चलता है। और वैसे भी ये मीठा नहीं है, तो मुझे ज़्यादा मीठा चीज़ पसंद नहीं है। मैं पहले सब कोई भी मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं हमेशा सबसे कहती थी मुझे मीठा बहुत पसंद है। बाद में धीरे धीरे जब मुझे मैच्योरिटी आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मीठा असल में पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि मैं मीठा खाती ही नहीं थी, क्योंकि लोग चाय पी लेते हैं या फिर कुछ पी लेते हैं ड्रिंक इस टाइप का, तो उनको शुगर का इनटेक उनका हो जाता है। लेकिन मैं दिन भर में मैं देखूँ तो मैं कुछ खाती ही नहीं थी मीठा, तो मुझे लगता था कि मुझे शायद मीठा पसंद है। लेकिन फिर मुझे अब रियलाइज़ हुआ मुझे मीठा पसंद नहीं है। ब्लूबेरी लिया हमने, और ये एक ड्रेस मिला जो कि कॉस्को में ऐसे ही दिख गया मुझे, तो सारे लोग खरीद रहे थे, अच्छा क्वालिटी का था तो मैंने भी ले लिया। और ये है एप्रिकॉट, तो हमने हमेशा इंडिया में जो ड्राइड वर्सन होता है वो टेस्ट किया, वो काफ़ी मीठा होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका फ्रूट एक बार टेस्ट किया जाए, क्योंकि भगवान को मतलब सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट में फल ही खाते हैं, तो हमने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। मैं तो इससे जब ट्राई करूँगी ना तो आपको वीडियो भी बनाऊँगी, एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैगी मिल गया, वो भी इंडिया वाली मैगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन साइन दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट में ग्रीन साइन नहीं रहता है, तो यहाँ पे हमेशा ग्रीन या रेड साइन नहीं रहता है। तो हमेशा एक प्रोडक्ट को हम लोग पहले चेक करते हैं इंग्रेडिएंट को, इंग्रेडिएंट समझ नहीं आता है तो इंटरनेट पे चेक करते हैं कि क्या है ये, उसके बाद हम लोग लेते हैं। ये मिल्क है और ये 2% वाला मिल्क है, 2% अच्छा है ये प्रोडक्ट। और ये फिर हमने बहुत ही अच्छा एक आइसक्रीम पॉप्सिकल हमने लिया जो कि चॉकलेट का था और ऑर्गेनिक फज बार है ये, तो कोकोआ और लो फैट से बना हुआ है। तो हमने सोचा कि इस गर्मी में हम लोग ये ट्राई करते हैं। पिछली गर्मी में हमने दूसरे आइसक्रीम को ट्राई किया था लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे थे, लेकिन यहाँ का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फिर हमने ये चाइनीज़ मैंगो लिया है, ये मैंगो जो है वो स्वीट है, अच्छा है, जूसी है, तो इससे कुछ भी इंग्रेडिएंट बन सकता है। फिर ये हमने ऑर्गेनिक हमस लिया है, और ये हमस जो है ना वो ऐसे तो हम लोग घर पे बनाते थे लेकिन उसके लिए फिर ताहिनी सॉस अलग से बनाना होता है, तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं बाहर का। और ये हमने ट्राई किया तो हमें सच में अच्छा लगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स नहीं डाले हुए हैं, जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मल इंग्रेडिएंट है जो कि खाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये हमने लिया है, ये आप ब्रेड पे स्प्रेड करके खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप किसी स्नैक्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा।
तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो भी हमने लिए वो काफी अच्छा शॉपिंग रहा आज। और ये है मिनी पेपर, तो मिनी पेपर लिया हमने, तो आज का शॉपिंग अच्छा रहा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और सारे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स,